हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। यस बैंक लिए बहुत ही बड़ी न्यूज आई है दोस्तों, बिग न्यूज आई है। यस बैंक ये सातवें आसमान के ऊपर लेके जा सकती है, ध्यान देंगे। यस बैंक को ये दोस्तों सातवें आसमान पे पहुंचा सकती है, न्यूज बहुत ही बिग न्यूज आई है। यस बैंक ने दोस्तों नियुक्त किया है अंशु जैन को, जो कि ड्यूस बैंक में पहले से CEO रह चुके हैं, ठीक है, सह संस्थापक यहाँ पर रह चुके हैं। तो बड़ी बिग न्यूज है यहाँ पे, और ये इन फंड राइजिंग के लिए, इनकी फंड राइजिंग जो मैटर को सुलझाने के लिए यस बैंक ने इनको नियुक्त किया है, इनको अपॉइंटमेंट किया है। तो ये बड़ी न्यूज है दोस्तों। तो ये पूरी न्यूज दोस्तों आपको मैं सीधे शब्दों में मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों, सीधे शब्दों में पूरी न्यूज आपको मैं बता देता हूँ, यस बैंक में पूरा मैटर क्या है और ये बिग न्यूज क्यों यस बैंक को सातवें आसमान पर पहुँचा सकती है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बिग न्यूज ये है। सबसे पहले देख सकते हैं कि फंड जुटाने के लिए ड्यूस बैंक के पूर्व चीफ अंशु जैन की यस बैंक में धांधली हुई, यानी कि यस बैंक में, मतलब अब ये जो यस बैंक में चल रहा है ना, ये जो मैटर, ये इसमें खुद अब इनको बुला लिया गया है। तो ये अब यस बैंक की फंड राइजिंग को सही नई दिशा यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पहले से ड्यूस बैंक में सह CEO, ध्यान देंगे सह CEO यहाँ पे रह चुके हैं। तो ये काफ़ी इनको अनुभव है, और 20 साल की दोस्तों इनको बैंकिंग का अनुभव है, और 3 साल तक ये यहाँ पे रह चुके हैं। तो पूरी न्यूज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्यों ये बिग न्यूज है, क्यों यस बैंक आज भागा है, और यस बैंक क्यों सातवें आसमान पे जा सकता है। तो ध्यान देंगे, यस बैंक ये सब कर रहा है धन जुटाने के लिए। ETBFSI के सूत्रों के अनुसार बैंक के लिए फंड जुटाने के लिए बैंक ने कैंटर फिट्ज गेराल्ड से अंशु बैंक को नियुक्त किया है, जो कि ये कहाँ पे अभी आपको सारा बता देंगे। और धन जुटाने के लिए कई प्रयास करने के बाद यस बैंक अब फंड जुटाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ की नियुक्ति की है। ध्यान देंगे, ये वैश्विक विशेषज्ञ हैं जो कि काफ़ी अनुभव है, और इनके नाम से ही देखो यस बैंक कहाँ चला गया है। तो यस बैंक में इनकी एंट्री होती ही यस बैंक चौथे आसमान, सातवें आसमान, जितने भी आसमान है वहाँ पर 200 ज़्यादा और नजर आ सकता है। यस बैंक भारत का देख सकते चौथा यहाँ पर सबसे बड़ा बैंक है, तो ये चौथा तो आपको पता ही है। तो चौथा आसमान, सातवें आसमान पे जाने की यहाँ पे बातें यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यस बैंक में ये न्यूज आते ही यस बैंक सातवें आसमान तो आज यहाँ पे दिखा चुका। ध्यान देंगे, यस बैंक में इनकी एंट्री होते ही बड़ी यहाँ पे जंप और यस बैंक लगाने के लिए तैयार है, और इनकी क्यों एंट्री हुई है यहाँ पे ध्यान देंगे। पूरी न्यूज आपको बता दूँ, ये सब वह पूंजी जुटाने के लिए कर रहा है। धन जुटाने के अपने निरंतर प्रयास में यस बैंक ने अंशु जैन को बैंक के लिए धन जुटाने के लिए एक जनादेश दिया है। विकास के करीबी सूत्रों के ETBSFI को बताया, अंशु जैन ड्यूस बैंक की पूर्व CEO सह CEO है, जो वर्तमान में एक निवेश बैंक और ब्रोकर फर्म कैंटर फिट्ज़गेराल्ड की अध्यक्ष है। ये देखो वहाँ पे है, ये पहले ड्यूस बैंक में है और उन्होंने इस्तीफा देकर वहाँ पे कैंटर फिट्ज़गेराल्ड के अध्यक्ष। अभी यह विकास यस बैंक द्वारा $2 बिलियन जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद आया है, यानी कि अब बोर्ड ने मंजूरी दे दी है कि आप उनको बुला सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी न्यूज है दोस्तों। आगे पूरी खबर अभी और भी चौंकाने वाली खबर है, जिसको आप बने रहिए, और इस खबर में आपको वो मिलने वाला है जो यस बैंक शायद जो कोशिश कर रहा है। मैं आपको कह रहा था यस बैंक रातों रात खबर आएगी और यस बैंक सातवें आसमान पे खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो देख सकते हैं, ये कैंटर फिट्ज़गेराल्ड एक न्यूयॉर्क स्थित 85 वर्षीय वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म है। 85 वर्ष से ये चल रही है सेवा, जिसके पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया प्रांत में 32 ऑफिस है। कैंटर में शामिल होने से पहले जैन 3 साल के लिए सह CEO के रूप में जर्मन दिग्गज ड्यूस बैंक का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन वो देखो इसमें क्या हुआ, उन्होंने 20 वर्षों का इनको बैंक से जुड़े रहने के बाद, देखो 20 वर्षों जो ड्यूस बैंक से 20 वर्षों तक जुड़े रहे थे, और 2015 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। और यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि ये जो बड़ी खबर क्यों है, कि इन्होंने वहाँ जाते ही जो ये कैंटर जो फिट्ज़गेराल्ड है उनको भी मतलब इतना तरक्की पे ला दिया है, जो कैंटर जो फिट्ज़गेराल्ड है। अभी आगे पूरी कहानी आप देखोगे तो चौंक जाओगे कि कैंटर फिट्ज़गेराल्ड की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन ये अंशु जैन साहब के आते ही उनकी हालत इतनी सुधर गई कि आज दुनिया में इतनी फेमस है, वहाँ से इनको बुलाया जा रहा है। तो आगे पूरी खबर में बने रही, आपको बता रहा हूँ कि यस बैंक क्यों आगे सातवें आसमान पर ये लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी खबर और आपके लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या खबरें यस बैंक में, कि यस बैंक दोस्तों NPA में वृद्धि हो रही थी, ठीक है,
और खराब ऋण चल रहा है, ठीक है। आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन करने की आवश्यकता, यस बैंक पिछले एक महीने में यहाँ पे देखो 13% गिरावट हो चुकी है फंड जुटाने की रेटिंग, और इंडिया रेड्डी में इनको रेटिंग नीचे दे दी है, और इरविन सिंह का यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है। तो काफ़ी यस बैंक के फंड राइजिंग मैटर को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब इनका पूरी हिस्ट्री बता दूँ यहाँ पे, जो ये अंशु जैन साहब है ये भारत के जन्मे रहने हैं और जयपुर दिल्ली से इनकी ये इन्होंने शिक्षा ली है। अब देखो यहाँ पे जो चौंकाने वाली दोस्तों जो न्यूज़ है ये है, देखो यहाँ पे जो पूरा सच निकल के आ रहा है यहाँ पे, क्यों ये यस बैंक को सातवें आसमान पर लेके जा सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर में 9/11 हमले में के कारण कैंटर फिट्ज़गेराल्ड ने सुर्खियां बटोरी, विमान दुर्घटना में कैंटर ने अपने कई कर्मचारियों को खो दिया था, लेकिन फर्म राख से उठी। देखो ये फर्म है ना राख से उठी और जेन के आने के बाद नई ऊंचाई पर पहुंच गई। ये एक ही लाइन दोस्तों इस कहना यस बैंक में ये इनका आने का महत्व बताती है कि यस बैंक में आते ही यस बैंक को ये देखो ये राख से इनको जो कैंटर फिट्ज़गेराल्ड को उठा के और नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तो यस बैंक को दोस्तों ये नई ऊंचाइयों पर यस बैंक को ये नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, और जो कि यस बैंक दोस्तों यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में हो सकता है, देखो 2020 के टारगेट में 150 कर रखें तो 150 को भी क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में अगर ये इनकी एंट्री हो जाती है तो यस बैंक जल्दी आपको 70+ के टारगेट दिखा सकता है, जो भी दोस्तों अभी भी मौका है आपके पास इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आप FD भी कराते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ये FD से भी बेटर 10 गुना 20 गुना जितना बेटर आप मान सकते हैं इतना बेटर है। और अभी यस बैंक में न्यूज़ का सिलसिला बाकी है, 7 फरवरी को और बड़ी न्यूज़ आने वाली है। तो आज ये जो न्यूज़ है दोस्तों बहुत ही बिग न्यूज़ निकल के आई होगी दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कर डाले, और जो भी इस दिन व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों इंटरेट है दोस्तों श्योर कॉल यहाँ पर दी जाती है, 3 कॉल्स अगर दोस्तों कोई स्टॉप लॉस आता है रिकवरी कॉल और दी जाती है, 10-15 कॉल रिसर्च करने के बाद में आपको 3 शॉर्ट कॉल दी जाती है दोस्तों 99% की एक्यूरेसी के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।